भाई एक बंदा सवाल पूछ रहा है कि बकरी नू सुवन तो बाद जेर खुवानी चाहिए है कि नहीं खुवानी नहीं चाहिए। खोनी चाहिए, नहीं। एक लिखिया नहीं हलाल चीज नू हराम शाह खवाओ ते ओ मुसलमानी नहीं। यानी कि एक वैसे भी तुसी गुनाह वाला काम समझ जो कि अगर बकरी नू जेर खवाए जायज नहीं, जायज नहीं। बच्चे नू चटना भी नहीं चाहिए, बकरी नू बकरी चट लवे बच्चे नू ओदा बच्चा वा ओ कोई हर्ज नहीं गा। ठीक, बाकी जेड़ा अखी वेख के मक्खी नहीं निकली जाए। लेकिन जेर नहीं खवानी चाहिए, जेर नहीं खुणी अगर कोई चाहिए। अगर कोई ख्वाब होवे या फिर गलती ना बकरी खा ले तो नुकसान हो सकता होता। बकरी दूध नहीं दिंदी। अच्छा, बकरी दूध ना देगी पूरा। सही, मज खा ले वो ना दूगी, बकरी खा ले जेर वो ना दूध दूगी। यानी कि कोई भी जानवर है अगर अपनी जेर खा लेंदा है तो फिर वो दूध नहीं देसी, नहीं दे सकता। यानी कि दूध का बड़ा मसला आ सकता है। हां जी, दूध ते असर करदी है जेर जेड़ी। हाँ, यानी कि जेर दूध ते असर करे। गंदा मैला अंदर बकरी दे टेक जावे, मैला ना सिटे बकरी ते ओ बकरी नु भावे जो मर्जी कर ला बकरी दूधो ना चलेगी। सही, यानी कि इन मतलब है मैला बकरी सिटे साफ हो जाए फिर बकरी जमे जमे दिन पहन के दूधो बकरी चढ़। यानी कि इन मतलब है जी बकरी नु सुवन तो बाद ओना ध्यान रखना चाहिए कि जेर ना खावे। खावे जेर बंदा आप उत्ते खोता रहे आप सटे किसे पास बाहर दब दियो सेड दियो किसे रुख ते। सही, बकरी ना जेर खावे ना मज खावे, मज नू भी जेर नहीं चंगी। मज नू भी जेर नहीं चंगी।